BPAG 172, ठीक है, BPAG 172, इसका हमारा जो चैप्टर नंबर क्या रहेगा, चैप्टर नंबर 5 रहेगा, या आप इन्हें कह सकते हैं यूनिट नंबर जो हमारा क्या रहेगा, 5 रहेगा, विकास के बदलते आयाम। ठीक है, यहाँ पर हम क्या देखेंगे, विकास के जो बदलते आयाम हैं उन पर हम देखेंगे। इसमें से जो हमारा रहेगा, जैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊँ तो 5.2 जो है, ठीक है, 5.2 है विकास का अवधारणा ढांचा क्या होता है, ये कई बार एग्जाम में आता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा जैसे रहेगा 5.3 रहेगा विकास की अवधारणा बदलते आयाम, बताइए। एक क्वेश्चन आया भी पिछले बार भी पूछा गया था, विकास की अवधारणा क्या है उसको बताइए, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। जैसे अगला जो हमारा रहेगा 5.4 रहेगा विकास के सिद्धांत, तो बताइए, यानी जो विकास जो डेवलपमेंट है उसके कौन कौन से सिद्धांत है, उसके कई सारे सिद्धांत है जिनके बारे में अभी हम आपको बताऊंगा। जैसे 5.5 रहेगा विकास के उपागम क्या है, यानी जो विकास है उसमें कौन कौन से उपागम है, कई सारे उपागम हैं, यानी उपागम का मतलब अप्रोचेज, यानी कौन कौन सी अप्रोचेज हैं, उन अप्रोचेज के बारे में भी हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे जो लास्ट रहेगा महिलाओं और हाशिए पर जो लोगों के विकास के घटक के रूप में, इनको भी हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले जो हमारा रहेगा 5.2 रहेगा क्या, विकास अवधारणात्मक ढांचा। यहाँ पर देखिएगा, विकास बदलाव लाता है या एक प्रक्रिया है जो लक्ष्यों की स्थापना से, देखो विकास क्या है, डेवलपमेंट कह रहे हैं, विकास जो होता है वह भाई बदलाव लाता है, ठीक है, यानी विकास जो है वह बदलाव लाता है या एक प्रक्रिया है जो लक्ष्यों की स्थापना करती, जो लक्ष्यों की स्थापना, यानी अगर हमें कुछ लक्ष्य बनाने हैं, कुछ टारगेट बनाने हैं, तो उन्हीं के साथ इसको शुरुआत की जाती है। अगले चरण की पहचान है लक्ष्यों को प्राप्त करने, यानी अगर हमें कुछ लक्ष्य बनाने हैं, कोई टारगेट बनाना है, तो हम उसके विकास के जरिए यानी कर सकते हैं, उसको प्राप्त करने के साधन है। परिवर्तन की प्रक्रिया सकारात्मक परिणाम, अगर देखो विकास की प्रक्रिया हो या परिवर्तन की प्रक्रिया हो, ये क्या करें, सकारात्मक परिणाम यानी अच्छा परिणाम लाती है या नहीं, बहस का विषय हो सकता है। देखो विकास के जरिए या कह सकते हैं परिवर्तन के जरिए, विकास के जरिए कह सकते हैं परिवर्तन की प्रक्रिया सकारात्मक परिणाम लाती है या नहीं, यह बहस का विषय जरूर हो सकता है। विकास को प्रगति और परिवर्तन की सीमा के विविध रूपों से, यानी विकास को प्रगति, जब अगर कहीं पर विकास हो रहा तो लोग बोलेंगे भैया प्रगति हो रही है, तरक्की हो रही है या परिवर्तन हो रहा है, इन विविध रूपों से कह सकते हैं, इनसे जाना जाता है। जैसे कि तेजी से औद्योगिकरण, नवीनतम तकनीकों को अपनाना, गरीबी और असमानता को कम करना, आर्थिक विकास और इत्यादि। देखो कहीं पर तेजी से भैया इंडस्ट्री लग रही, कंपनी वंपनी लग रहा, फैक्ट्री वैक्ट्री लग रहा, तो बोला जाएगा कि वहां पर डेवलपमेंट यानी विकास जो है ज़्यादा हो रहा। न्यूनतम तकनीकों को पहचाना, यानी नवीनतम, अगर नई नई टेक्नोलॉजी, ठीक है, यानी नई नई टेक्नोलॉजी जो है अगर उनका भी यूज किया जा रहा है, उनको भी शुरुआत की जा रही है, तो इससे भी बोला जाता है। देखो जब नई नई टेक्नोलॉजी और नई नई तकनीकों का यूज किया जाता है, इसको भी कहा जाएगा कि वहाँ पर विकास हो रहा। गरीबी और असमानता को अगर कम किया जा रहा, आर्थिक विकास हो रहा, ये सारी जो चीज़ें हैं वो विकास से जुड़ी चीज़ें हैं। इसके बावजूद विकास एक बहुआयामी और एक बहुउद्देशीय, यानी विकास हो उसके बहुत आयाम है या बहुउद्देशीय परियोजना के लिए हम विकास को जान सकते हैं। यह लोगों के जीवन में गुणवत्ता में सुधार के साथ उपलब्ध संसाधनों को, यानी विकास जो होता हुआ लोगों के, यानी जो इंसान है, जो लोग हैं, उनके जो लाइफस्टाइल है, जीवन जीने का जो तरीका है, उसमें डेवलपमेंट के जरिए क्या होता है, उनके जो लाइफस्टाइल है भैया, जो जीवन जीने का तरीका, उनमें क्या आता है, बदलाव आता है। देखो जब डेवलपमेंट होगा ना, जब विकास होगा, तो क्या होगा, हमारा लाइफस्टाइल बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग पहले गांव में सब लोग रहते थे, ठीक है, लेकिन जैसे गांव में विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, लोगों का रहने सहने का तरीका बदल गया ना। आज भी अगर देखोगे तो आज के 25 साल पहले भैया जो गांव था वो आज वैसा गांव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि गांवों में क्या हो गया है, विकास हो गया है। आज भी अगर आपका देश में देखेंगे, आज भी प्रेजेंट टाइम में अगर आप इंडिया देखोगे, आज के 20 साल पहले भारत के लोग कैसे रहते थे, आज के समय भारत के लोग कैसे रह रहे हैं, और आज के 20 साल बाद भारत के लोग कैसे रहेंगे, यानी लोगों की जो लाइफस्टाइल है, जो जीवन जीने का तरीका है, उसमें परिवर्तन आ गया, यानी हमारे जीवन जीने का जो तरीका है उसमें सुधार लाने के लिए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग के बारे में है। यानी हम डेवलपमेंट के जरिए अपने जीवन में क्या कर सकते हैं, कई सारे बदलाव ला सकते हैं या कई सारे चेंजेस को लाया जाता। आमतौर पर किसी देश के विकास को आर्थिक विकास
और द्वारा प्रदान किए गए जाने वाले रोजगार के अवसरों में। ज्यादातर अगर हम विकास के जो शब्दों को मानते हैं, ज्यादातर जो विकास शब्द है वह आर्थिक विकास को ज्यादा इंगित करता है। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ज्यादातर इकोनॉमी का विकास हो या कह सकते हैं कि या जो हमारी अर्थव्यवस्था वो बढ़ रही है, इसको विकास के आयामों के रूप में ज्यादा माना जाता है। या रोजगार के अवसर कितने हैं भाई, कहाँ पर आर्थिक विकास हो रहा है, इसी के जरिए हम विकास को ज्यादातर मापते हैं या कहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा उसको नापा जाता है। यह संदेह से परे है कि आर्थिक विकास महत्वपूर्ण है, इसमें कोई संदेह नहीं भैया कि जो आर्थिक विकास है वो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विकास के विभिन्न दृष्टिकोण है, यानी जो विकास है सिर्फ आर्थिक विकास नहीं है, हर क्षेत्र में हर जो विकास है उसके कई दृष्टिकोण है, यानी उसके कई अप्रोचेज हैं। एक दृष्टिकोण है कि लोगों को विकल्प दिया जाए कि उनके जीवन जीने के लिए सक्षम बना जाए, जो उनका मूल्यांकन, यानी जो लोग हैं वो अपने जीवन जीने के तरीके हैं, जो जीवन जीने के मूल हैं वह उसको स्वयं निर्धारित करें, इसको करने के लिए उनको क्या देना चाहिए, विकल्प देना चाहिए। विश्व स्तर पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकास की अवधारणा की, देखो जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ ना, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो उसमें पूरे विश्व में डेवलपमेंट को लेकर के अगर आप देखोगे तो पूरी अवधारणा बदल गई। और पूरे विश्व में अगर बात करें तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो विकास है वह बहुत तेजी से हुआ, उसकी अगर आप उसको कह सकते हैं बहुत तेजी से गति मिली है। ठीक, आगे देखिए, औपनिवेशिक की प्रक्रिया और नए औपनिवेशिक राज्य द्वारा विकास और विकास के महत्व की प्राप्ति ने विशाल परियोजनाओं के, देखो जो उपनिवेशीकरण चला, यानी जो जैसे यूरोप के देश थे, जो अन्य देश थे, उन्होंने जिन लोगों को गुलाम बना रखा था, उपनिवेशीकरण का जो पूरा दौर चला, ठीक है, उपनिवेशीकरण के पूरे दौर में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम विकास की जो प्रक्रिया है, उपनिवेशिक जो राज्य थे वहाँ पर विकास के बहुत ज़्यादा महत्व रहा, या विकास की जो परियोजना उनका क्रियान्वयन, जैसे हमारा देश कह रहा है लंबे समय तक भैया अंग्रेजों का गुलाम रहा, यानी भारत भी क्या था, उपनिवेश था, यानी जब जैसे डेवलप जो कंट्रियां थी उन्होंने उपनिवेश बनाए, जहां पर उन्होंने उपनिवेश बनाया तो वहां पर विकास के भी कार्य हुए या विकास के जो योजनाओं को वहां पर लगाया गया। भारत जैसे नए स्वतंत्र बड़े देश में बड़े बांधों का निर्माण हो, उद्योगों की स्थापना हो, आधुनिकीकरण की प्रक्रियाओं का हिस्सा, यानी भारत जैसे अगर बड़े देश, हमारे देश में जैसे बांध बन रहा है भैया, नहर बन रहा है, हमारे देश में नई नई कंपनी लग रहा है, नए नए उद्योग लग रहा है, ये सारी जो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है इसको विकास का हिस्सा माना जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जो थे 1947-1964 ने जुलाई 1954 में एक भाषण में कहा था कि एक बांध आधुनिक मंदिर है, यानी नेहरू जी ने क्या बोला था, जो बांध है उसको आधुनिक मंदिर बोला था। ठीक है, उन्होंने 1948 में हीरा कुंड बांध के निर्माण के कार विस्थापित हुए लोगों को कहा था कि अगर आपको पीड़ित होना है तो आपके देश को हित में नुकसान उठाना चाहिए। देखो नेहरू ने बताया था जब हीरा कुंड बांध बना था, ठीक है, तो भैया कहीं पर बांध बनेगा, कहीं पर कंपनी लगेगा, कहीं पर फैक्ट्री लगेगा, कहीं पर कोई परियोजना लगेगी, तो वहां पर जो लोग रहते हैं उनको क्या करना पड़ेगा भैया, उनको हटा करके कहीं और बसाना पड़ेगा, तो उन लोगों की क्या होगी, थोड़ी दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी भैया, होगी भाई, होगी जर्नली होगी आपको। मान लीजिए आप कहीं पर रहते हैं, आपके गाँव में बोल दिया कि आपको वहां पर कंपनी लगेगा, तो गाँव के लोगों को दूसरी जगह पर बसाया जाएगा, जो गाँव के लोग होंगे वहाँ की मिट्टी से, वहाँ की जलवायु से या वहाँ के वातावरण से बहुत ज़्यादा उनका जुड़ा होगा, जब वहां से उन लोगों को हटाया जाएगा तो उनके अंदर में पीड़ा होगी। और यहां नेहरू जी ने कहा था कि अगर आपको पीड़ा होती है, अगर वह देश के हित में है तो उसका आपको लाभ उठाना चाहिए। धीरे धीरे विकास की अवधारणा जो है वह लगातार बदलती चली जा रही है। अगर विकास की अवधारणा आगे देखिए, दो महत्वपूर्ण आर्थिक परिवर्तनों के कारण विकास पर बहस शुरू हुई। अगर दो महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या हो, जैसे पूंजीवादी और औद्योगिकरण, यानी विकास को लेकर के दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे पूंजीवाद है और क्या है, औद्योगिकरण, इस पर बहस हुई 18वीं शताब्दी के दौरान, या धीरे धीरे अगर कहें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोपीय देशों और जापान में 19वीं शताब्दी में फैले गए और बाद में अन्य भागों और हाल ही में चीन और कुछ दक्षिण एशिया देशों में फैले। अगर बात करें जैसे 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में जैसे पूंजीवाद है, औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया, इसके जरिए अगर देखेंगे तो विकास जो है वह सभी देशों में फैला। दुनिया में जनसंख्या के काफ़ी इससे के लिए गरीबी है, असमानता है, पर्यावरणीय पतन है, वित्तीय संकट है, बुनियादी सुविधाओं की कमी तक पहुंच है, इससे जलवायु परिवर्तन के कारण लोगों को पता लगाने के प्रयास हुए। देखो अगर बात करें तो क्या है कि अगर यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, अगर वैसे मैं आपको बात बताऊं, जैसे आप देखेंगे तो दुनिया में जो जनसंख्या है वो क्या है, अब कई सारी समस्याएं भैया, गरीबी है, असमानता है, पर्यावरण का पतन हो रहा है, बिजली संकट है, वित्तीय संकट है, या
जलवायु परिवर्तन हो रहा है इसका पता लगाने का प्रयास हुआ है, ठीक है। इससे विकास की प्रक्रिया को समझने का के लिए मनोवैज्ञानिक अध्ययन हुआ, यानी दुनिया भर में क्या भैया अनेक प्रकार की समस्या है, उन समस्याओं को समझने के लिए क्या किया गया, एक प्रकार से सामाजिक वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया। और इन अध्ययनों से जैसे अध्ययनों के अधिकांश आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन पर केंद्रित, यानी जो अध्ययन किए गए ज़्यादातर इस प्रकार से अध्ययन थे भैया, राजनीतिक अध्ययन है, आर्थिक अध्ययन है या सामाजिक अध्ययन किए गए जो दुनिया में चल रहे हैं, तकनीकी और संस्कृति परिवर्तन जो परिवर्तनपूर्वक। देखो जब दुनिया में देखा गया कि भैया गरीबी है, बेकारी है, लोग भूख से मर रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि पर्यावरण की समस्या है, वित्तीय संकट है, ऊर्जा की कमी है, तो इन सारी चीज़ों को पूर्ति करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, जो बदलाव होगा वो सारी चीज़ें किस में आएगी भैया, तभी तो डेवलपमेंट होगा। पहला राज्य क्या नेतृत्व विकास है, यानी कोई भी राज्य हो अगर हम बात करें पूरी दुनिया में चलिए, ठीक है, विकास दो प्रकार के होते हैं, यानी जो डेवलपमेंट है यानी जो हम विकास को पढ़ें, विकास दो प्रकार का था। पहला राज्य के नेतृत्व वाला, पहला जो होता है स्टेट करता है, विकास करता है। पूर्व सोवियत संघ और भारत ने 1991 में इस मॉडल के बाद का पलायन किया। दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देशों ने बाजार के नेतृत्व वाले विकास का पलायन किया, जहां अर्थव्यवस्था में राज्य का हस्तक्षेप सीमित है। देखो क्या अगर हम बात करें, जो विकास है वो दो प्रकार का है, एक विकास होता है जिस विकास को राज्य करता है, स्टेट करता, दूसरा जो विकास या डेवलपमेंट होता है जो प्राइवेट सेक्टर या सरकारी और प्राइवेट सेक्टर मिलकर के करते हैं, उस विकास को बोला जाता है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी देशों की अगर बात करें तो वहाँ पर बाजार के नेतृत्व वाला विकास का पलायन किया, जहाँ अर्थव्यवस्था में राज्य का हस्तक्षेप सीमित है, यानी अमेरिका में भैया अगर बात करें तो वहाँ पर जो अमेरिका का सरकार है वो या कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करती है, नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट के करने के लिए अवसर मौजूद हैं। लेकिन भारत की अगर बात करो तो यहाँ पर जो हमारी सरकार है वही ज़्यादातर विकास के कार्यों को करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखेंगे सिद्धांतों और विभिन्न नीतिगत दृष्टिकोणों ने विकास की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के लिए उचित नीतियों को लाने के लिए मदद की। अगर देखो दुनिया भर में जो जितने भी नीतिगत दृष्टिकोण है उन सभी दृष्टिकोणों ने क्या किया, विकास की प्रक्रिया में को लाने के लिए उसकी हमारी मदद की है। साथ ही स्थानीय स्तर पर अगर देखें, जो हमारे स्थानीय स्तर हैं वहाँ पर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया। आज अगर देखें तो सरकारें हों या अन्य चीज़ें हों, यानी लोगों का जो रहने सहने का तरीका है या लोगों के जीवन जीने का बेहतर करने के तरीके में हमारी जो सरकार है या हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो जीवन जीने के तरीके, यानी डेवलपमेंट करने में हमारी सरकार और अगर सरकारी जितनी भी चीज़ें हैं उनका विकास और डेवलपमेंट करने में बहुत ज़्यादा अमूल्य योगदान है। लेकिन ये पहल पहले कई स्थानीय क्षेत्रों में विशिष्ट होती थी, इससे पहले भी इस प्रकार की पहले होती थी लेकिन कुछ क्षेत्रों में विशिष्ट थी, इसे दोहराया नहीं जा सकता है। पोंगबू अन बुर्जुद ने के अनुसार जहां विकास का मतलब ऐसे कार्यों से है जो वांछनीय और प्रगतिशील कुछ हासिल कर सकता है लक्षित है, यानी विकास का मतलब ऐसे है, विकास का मतलब होता है कि हम प्रगतिशील यानी लगातार हमारी प्रगति होती रहे और जिसमें हमें कुछ ना कुछ हासिल होता रहे। यानी अगर थिंकर यहां पर क्या कह रहा है, थिंकर कह रहा है कि विकास वो है जिसमें लगातार भैया परिवर्तन होता रहता है, जिसके जरिए हमें कुछ ना कुछ हासिल होता रहता है या हम लोगों को कुछ ना कुछ लाभ होता रहता है, ठीक। आगे देखिए, जब हम विकास के बारे में बात करते हैं तो मनुष्य के जीवन में सुधार हो, जब हम विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, इसका सीधा सा मतलब हम बात करते हैं कि विकास के जरिए हम मनुष्यों का जीवन में सुधार होना चाहिए, समाज में सुधार है या सुधार से संबंधित जो अच्छे बदलाव हैं उसको लेकर के बात की जाती है। विकास एक तरह से बहुआयामी है, यानी विकास है उसके कई सारे आयाम हैं, कई सारे उसके फायदे हैं और कई सारे उसके आयामों की बात करते हैं जिसके विभिन्न आयाम शामिल हैं। जैसे विकास के कई सारे आयाम, जैसे आर्थिक आयाम है, सामाजिक आयाम है या सांस्कृतिक आयाम है, राजनीतिक आयाम है, लोगों की जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं या लोगों की जीवन की गुणवत्ता में बदलाव लाने का कार्य करते हैं। विकास के बदलते आयाम उन्हें प्राप्त करने के साथ, यानी जो विकास के बदलते आयाम हैं, यानी विकास के जो आयाम है वो भैया लगातार बदल रहे हैं, जैसे सांस्कृतिक आयाम है, राजनीतिक आयाम है, आर्थिक आयाम है, पर्यावरणीय आयाम है, ये सारे क्या हैं, विकास के बदलते आयाम हैं। इनको प्राप्त करने के लिए अगर बात करें तो लगातार संसाधन लागत और लाभ और सीमित जनसंख्या पर इसके प्रभाव को
सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए विकास की प्रक्रिया में उन्हें एकीकृत करने के तरीकों पर बहस हो सकती है, यानी डेवलपमेंट करने के लिए चाहे हमारा राजनीतिक विकास हो, चाहे आर्थिक विकास हो, चाहे सामाजिक विकास हो, इनको विकास या डेवलपमेंट करने के लिए हमें सभी चीज़ों को एकीकृत या एक साथ लाने की तरीकों पर लगातार बहस हो रही, यानी जो विकास के आयाम है वह लगातार क्या रहे हैं, बदल रहे हैं। ये विकास की अवधारणा है और विकास के बदलते आयामों। अब हम बात करेंगे अगला जो हमारा रहेगा 5.3 विकास की अवधारणा और उसके बदलते आयामों पर भी हम क्या करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जैसे मैंने आपको बोला था क्या है, विकास की अवधारणा बदलते आयाम। देखिए ध्यान से देखिएगा, रिकॉर्ड्स व मार्क्स तक के सामाजिक वैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांत में आर्थिक विकास को संबोधित किया। अगर हम बात करें जितने भी वैज्ञानिक हैं, ठीक है, शुरू से लेकर के अंतिम तक जितने भी वैज्ञानिक हैं, उन्होंने सामाजिक मनोवैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांत में आर्थिक विकास को संबोधित किया, यानी विकास में अगर ज़्यादातर देखेंगे तो यहाँ पर आर्थिक विकास को ज़्यादा महत्व दिया गया है, ठीक है। सामाजिक और उत्पादन संबंधी व्याख्या में विकास की सोच में हावी थी, यानी सामाजिक और उत्पादन में संबंधों की अगर व्याख्या की जाए तो उसमें विकास की जो थी वह काफ़ी हावी रही। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि शीत युद्ध की अवधि के दौरान, यानी जब कोल्ड वार चल रहा था, जब शीत युद्ध चल रहा था दो प्रतिस्पर्धी विकास रणनीतियों का व्यवहार किया गया था। यानी उस प्रकार जब भैया शीत युद्ध चल रहा था, जब कोल्ड वार चल रहा था, तो क्या था, सोवियत संघ था, और दूसरा क्या था, दूसरा अगर हम बात करेंगे जो अमेरिका था, या पूर्वी यूरोपीय देश जैसे चीन में केंद्रीकृत योजना और पश्चिमी विकास रणनीति का प्रयोग किया गया था। यानी अगर जो शीत युद्ध चल रहा था वहाँ पर भी तो दो विचारधाराएं थी, विकास की दो विचारधाराएं, एक तरफ अमेरिका देखोगे तो पूंजीवाद का समर्थक भैया, दूसरी तरफ जैसे सोवियत संघ की बात करें तो वो क्या दूसरी बातें करता था, यानी वहाँ पर समाजवाद की बातें होती थी। तो पूंजीवाद और समाजवाद जिस प्रकार से वहाँ पर शीत युद्ध में, कोल्ड वार में जिस प्रकार की परिस्थितियाँ, 19वीं शताब्दी में विकास का मतलब विकास की कमियों और प्रगति को उजागर करना था। देखो शीत युद्ध के दौरान अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर पूंजीवाद और कह सकते हैं कि वहाँ पर समाजवाद को लेकर के रहा, लेकिन जब 19वीं शताब्दी चली, ठीक है, 19वीं शताब्दी में विकास का मतलब विकास की कमियों और प्रगति के उपाय थे, यानी जो विकास करने के लिए कौन कौन से भैया कमियां हैं, उन कमियों को दूर करें जिससे डेवलपमेंट हो, और प्रगति के लिए, विकास के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए। कोवन और सेट्स के अनुसार प्रगति और विकास, जिसे अक्सर एक निर्बध वेव के रूप में देखा जाता है, एक दूसरे के विपरीत होते हैं और विकास के पूरक होते हैं। यानी जैसे 19वीं शताब्दी आई तो उसमें देखा गया कि विकास की कमियों और प्रगति के लिए कौन कौन से सुझाव दिए गए। उपयुक्त देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, उपयुक्त चर्चा स्पष्ट करती है, यूरोप और उपनिवेशियों ने 20वीं शताब्दी में विकास की सोच, 19वीं शताब्दी में प्रतिक्रियाएं और अनुभव हैं, उन्होंने औद्योगिकरण की नीतिगत विफलताओं के माध्यम से विकास और प्रगति को समझाने की कोशिश की, जो लोगों की कई प्रकार से प्रभावित करती थी। यानी अगर बात करें 19वीं शताब्दी में भैया क्या हुआ, 20वीं शताब्दी में क्या रहा, विकास की सोच 19वीं शताब्दी में जो प्रतिक्रियाएं थी, जो अनुभव थे लोगों के भैया, जिन्होंने औद्योगिकरण की नीतिगत विफलताओं के माध्यम से विकास को प्रगति को समझने की जानने की, देखो विकास की जो प्रक्रिया अगर वो विफल हो रही, क्योंकि ज़्यादातर जो विकास मानते हैं हम आर्थिक विकास को मानते हैं, और आर्थिक विकास ज़्यादा जैसे भैया कंपनी लग रही, इंडस्ट्री लग रही, इस प्रकार की चीज़ों को करके किया गया। जैसे यहाँ पर एक तालिका दी गई है, समय के साथ विकास की अवधारणा कैसे रही, ठीक है, समय के साथ विकास की अवधारणा कैसे रही, देखो अवधि है, परिपेक्ष है, और विकास का अर्थ क्या था। देखो 1950 में क्या था, देरी से आने, यानी अगर देरी से आने वाले औद्योगिकरण या पकड़ करना, शुरू में 1870 के दशक में औपनिवेशिक अर्थव्यवस्थाएं जो थी, संसाधन प्रबंधन ट्रस्टीशिप था, 1940 के दशक में विकास की जो अर्थव्यवस्थाएं रहीं वह आर्थिक विकास और औद्योगिकरण रहा, 1950 के दशक में आधुनिकरण सिद्धांत रहा, विकास के राजनीतिक और सामाजिक आधुनिकरण सिद्धांत चला, 1960 में भैया निर्भरता सिद्धांत जहाँ संचय राष्ट्रीय निष्कर्ष चला, 1970 में वैकल्पिक विकास जो रहा, मानव क्षमता की बात की गई, 1980 में मानव विकास में क्षमता और लोगों की पसंद का विस्तार किया गया। यानी इस प्रकार से विकास के जो आयाम है अगर आप देखोगे तो वह लगातार बदलते, यानी विकास को लेकर के जो सोच है, जो अवधारणा है, जो अप्रोच है, वह लगातार बदलती रही, ठीक है। 1980 के दशक में उपनिवेशवाद जो था, आर्थिक विकास,
संरचनात्मक सुधार, उदारीकरण और निजीकरण को लेकर के रहा है। विकास को इस रूप में जाना गया, उत्तर विकास यानी जो अब विकास की प्रक्रिया, सत्तावादी अब यानी इंजीनियरिंग के, यानी आज देखोगे विकास या नई नई इंडस्ट्री या अभी या सत्तावादी इंजीनियरिंग को जिस प्रकार से परिलक्षित, यानी विकास के जो आयाम है वह लगातार बदलते जा रहे हैं। इससे पहले कि हम आधुनिक विकास के अर्थशास्त्री और संबंधित सिद्धांतों पर चर्चा करें, आइए हम विकास के सिद्धांत को परख तथ्य पर जांच करें। जहां भी औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था यूरोप में उपनिवेश देशों की तरह हावी रही, अगर हम बात करेंगे जो उपनिवेशिक अर्थव्यवस्थाएं थी वह पूरे यूरोप में या उपनिवेश के देशों में हावी रहीं, ये विकास के विभिन्न चरणों से गुजरे। देखो विकास जो है वह लगातार विभिन्न चरणों से गुजरा, यानी जो डेवलपमेंट है उसके कई आयाम भैया कई चरण हैं। ऐसा नहीं कि जो अलग अलग देशों में विकास के अलग अलग, यानी लगा समय समय पर विकास की जो आयाम है, विकास की जो अवधारणा है, वह समय समय पर क्या होती रही, बदलती रही या उसमें परिवर्तन होता रहा। देखो शुरुआत में व्यापार और खेती खनन से, शुरू में जो विकास था वह व्यापार और खेती से खनन से शुरू हुआ। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के बाद चरणों में स्थानीय अर्थव्यवस्था में न्याय संगता और विकास था। औद्योगिकरण उपनिवेशवाद अर्थव्यवस्था का एक है, यानी जब क्या चला अगर हम बात करें, जब औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था चली तो वहाँ पर औद्योगिकरण और औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा विकास बना। वर्तमान में अर्थव्यवस्था में विकास की अवधारणा ज़्यादातर आर्थिक विकास के साथ, अगर प्रेजेंट टाइम में बात करें तो विकास किसके रूप में जाना जाता है, आर्थिक विकास या आर्थिक विकास के रूपों में हम इसको जान रहे हैं। आर्थिक विकास के साथ राजनीतिक, आधुनिक और सामाजिक विकास भी होता है, यानी अगर बात करें आर्थिक विकास के साथ साथ भैया राजनीतिक विकास और सामाजिक विकास भी होता है। निर्भरता सिद्धांत में विकास का अर्थ धन का संचय है, या निर्भरता सिद्धांत में क्या था आर्थिक विकास का मुख्य अर्थ क्या था भैया, यहाँ पर किसको हम देते हैं, धन के संचय के रूप में जाना जाता है, ठीक है। यानी हम यहाँ क्या कहते हैं, जो धन के संचय के रूप में जाना गया, जो अविकसितों के विकास में, अविकसितों के विकास की बात करता था, ठीक है। बाद में अगर देखेंगे बाद के में विकल्पों के विकास में संबंधों में, बाद में क्या बहुत सारे विकल्प रहे जिसमें विकास के संबंधों की चर्चा करते हैं, जिसमें आमत्य सेन जो भारत के हैं मानव विकास और क्षमता के दृष्टिकोण, यानी बाद में जैसे आमर्त्य सेन है या जो भारत के लोग हैं आमर्त्य सेन ने क्या बोला भैया, विकास का मतलब है कि क्षमता के दृष्टिकोण, यानी क्षमता निर्माण करना लोगों में, ठीक है। हमने इस पाठ्यक्रम के यूनिट 11 में सतत विकास के बारे में पहले से चर्चा की है, यानी सतत विकास को भी हम देखेंगे, यानी विकास जो है उसके जो आयाम है वो लगातार बदले हैं, कभी सतत विकास है, कभी आर्थिक विकास है, कभी यानी जो कभी औद्योगिकरण रहा, कभी कह सकते हैं कि उदारीकरण रहा, इस प्रकार से जो विकास के आयाम है लगातार बदलते रहे। एक नव उदारवाद जहां राज्य को न्यूनतम भूमिका निभानी थी और बाजार को ताकते विकास पर, यानी नव उदारवाद क्या करता भैया कि राज्य को कम से कम भूमिका निभानी चाहिए, राज्य कम से कम कानून बनाए, बल्कि बाजार को क्या करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ताकत देनी चाहिए। सुधार उदारीकरण और निजीकरण से, यानी विकास में अगर देखोगे जैसे उदारीकरण भी रहा, निजीकरण, यानी विकास के जो आयाम है उसके लगातार पैमाने जो हैं वह विकास के जो पैमाने भैया, विकास का मतलब ये है अलग अलग समय पर विकास के जो मतलब थे वह भैया लगातार बदलते रहे। यहाँ आर्थिक विकास और महत्वपूर्ण विकास है, लेकिन इसे प्राप्त करने के जो संसाधन है विकास विरोधी माना जाता है, जैसे नव उदारवादी विकास है जिसे आया बाद में, जिसका कोई वैकल्पिक मॉडल नहीं है। हालांकि स्थानीय विकास, लोगों की भागीदारी, सामुदायिक विकास, गांधीवादी विकास मॉडल जैसे कुछ दृष्टिकोण, यानी विकास के कई सारे दृष्टिकोण हैं, कई सारे अप्रोचेज हैं। इसी प्रकार विकास के विभिन्न चरण हैं, गतिविधियों और कारक शामिल हैं। प्रौद्योगिकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका, यानी प्रौद्योगिकी जो है वह भी विकास में क्या करती है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विकास की अवधारणा के दृष्टिकोण के विभिन्न तरीके, यानी विकास की जो अवधारणा है उसके अवधारणा क्या है, विभिन्न तरीके हैं। पहला है विकास की प्रक्रिया, फिर है संगठित करना, यानी सबसे पहले हमें विकास की प्रक्रिया चलानी पड़ेगी, फिर उन्हें संगठित करने के लिए विकास के लिए विशेष इतिहास का पता लगाना पड़ेगा। दूसरा है एक ऐतिहासिक संदर्भ में विकास के दृष्टिकोणों का पता लगाना कि यहाँ पर परिस्थितियों के अनुसार, यानी विकास जो रहा है वह जैसे जैसे परिस्थितियाँ बदलती रही, जैसे जैसे समय बदलता रहा है वैसे वैसे विकास के आयाम बदलते रहे। कभी कह सकते हैं कि भाई कृषि में परिवर्तन हो जाना विकास हो सकता था, कभी कह सकते हैं कि मार्केट में, या कह सकते हैं कि वहाँ पर मार्केट बढ़ जाए या औद्योगिकरण हो उसको विकास माना गया, कभी उदारीकरण को विकास माना गया, कभी हम कह सकते हैं कि निजीकरण को विकास माना गया, यानी जो विकास के आयाम थे या विकास के जो मतलब थे वह समय समय पर, हर समय पर लगातार परिवर्तन होता रहा और लगातार उनमें चेंज होता रहा।
तीसरा दृष्टिकोण के अनुसार विकास विचार और आयाम, फिर उसे जोड़ने की पुनरावृत्ति करना, यानी विकास के जो आयाम है वह लगातार बदलते रहे और उनमें लगातार चेंज होता रहा, विकास के जो आयाम है। अब हम बात करेंगे विकास के सिद्धांत क्या हैं, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, 5.4 क्या रहेगा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको भी आपको जरूर कर गए। अब हम देखते हैं विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं, ठीक है। हम विकास के प्रमुख सिद्धांतों की चर्चा, सबसे पहला है आधुनिकीकरण सिद्धांत, मॉडर्नाइजेशन। आधुनिकीकरण सिद्धांत 1945 से 1960 के दशक के दौरान अमेरिका में उभरा, यानी विकास का जो पहला भैया सिद्धांत है आधुनिक सिद्धांत है, जो 1945 से 1960 में अमेरिका में आया था। इस सिद्धांत का प्रमुख प्रवर्तक डब्ल्यू डब्ल्यू स्टोट, एमिल दुर्खिम और मैक्स वेबर थे, यानी विकास का जो पहला सिद्धांत लेकर के आए वो मैक्स वेबर और दुर्खिम लेकर के आए थे। 9 स्वतंत्र राज्यों ने गरीबी और आर्थिक कम आर्थिक विकास का अनुभव किया, यानी जो नए नए राज्य बने थे भैया उन्होंने गरीबी और कम आर्थिक विकास का अनुभव किया। कुछ देशों को राजनीतिक अशांति का सभी सामना करना पड़ा, यानी कुछ देखो जब नए नए देश बने, नए नए राज्य बने, तो कह सकते हैं कि उन देशों ने समझा कि हमारे देश में भैया गरीबी है, हमारे देश में आर्थिक विकास कम हुआ। कुछ देशों ने माना कि हमारे देश में राजनीतिक अशांति का सामना करना पड़ा है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद वैचारिक रूप से दुनिया के दो भागों में, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या जो दुनिया थी भैया वो दो भागों में बट गई, यानी शीत युद्ध चला, एक अमेरिका का गुट बना, दूसरा सोवियत संघ का जो गुट बना, इस प्रकार से जो दुनिया थी वह वैचारिक रूप से दो भागों में बट गई थी। आधुनिकीकरण सिद्धांत ने आधुनिकता के साथ विकास को माना, आधुनिकीकरण जो सिद्धांत है उसने आधुनिकता को माना लेकिन उसके साथ साथ विकास को भी उसने महत्व दिया। विकसित देश विज्ञान प्रौद्योगिकी और औद्योगिकरण के उन्नति, यानी जो विकसित देश है उन्होंने साइंस के जरिए, प्रौद्योगिकी के जरिए और औद्योगिकरण से उन्होंने उन्नति की, जिसने व्यक्तिवाद को अधिक महत्व दिया, यानी जिससे यानी जो विकसित देश थे उन्होंने अपने देश को डेवलप कर लिया, उन्नत कर लिया, जिससे व्यक्तिवाद को अधिक महत्व मिला। इस सिद्धांत के अनुसार सभी समाज प्रगति के लिए विकास के सभी समान चरण से गुजरते हैं, यानी आधुनिकीकरण सिद्धांत ये बताता है कि कोई भी समाज हो वह विकास करने के लिए समान प्रगति और समान चरणों से उसको गुजरना पड़ेगा। रोटेस्ट ने आधुनिक बनने के लिए विकास के 5, यानी यहाँ पर जो थिंकर है वो क्या बताता है कि यहाँ पर क्या कहता है कि आधुनिक समाज बनाने के लिए या विकास करने आधुनिक विकास करने के लिए हमें 5 चरण दिए हैं। पहला चरण क्या है, यहाँ पर हम कुछ चरणों की बात करते हैं। समाज को पहले चरण में पारंपरिक यानी ट्रेडिशन रूप से देखा जाता है, यानी पहला जो चरण है यानी हमें समाज को भैया पारंपरिक रूप से उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले इस दौरान हम समाज में गरीबी का प्रभुत्व होगा, व्यय उत्पादन के लिए आदिम तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं और पारंपरिक मूल्यों को सजो सकते हैं। दूसरे चरण में हम टॉक ऑफ यानी पूर्व स्थितियां कहा जा सकता है, यानी पूर्व में स्थितियां कैसी थी उन स्थितियों का आकलन किया जाएगा, ठीक है। इस चरण में देश विकास के लिए बाहरी मदद ले सकते हैं। तीसरा जो चरण है टेक ऑफ है, टेक ऑफ में यहाँ क्या होता है जहाँ विदेशी निवेश और उच्च आर्थिक विकास पर जोर देगा, यानी देश में निवेश ज़्यादा हो, आर्थिक विकास इस पर जोर देगा। चौथे चरण में ड्राइव टू मैच्योरिटी कहा गया है, इस अवस्था में सभी लोग में समृद्धि देखी जा सकती है। पांचवा चरण अंतिम जो चरण होगा उच्च सामूहिक उपभोक्ता। इस विचार का अवधारणा का मानना है कि काफ़ी हद तक आधुनिकीकरण या पारंपरिक और प्रतिरोध तीसरी दुनिया में देशों को अविकसित करके जिम्मेदार है। यह विकास के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका यूरोपीय मॉडल के अनुकरण करने का एम है, यानी जो अमेरिका का मॉडल है विकास का, जो अमेरिका का मॉडल है उसके अकॉर्डिंग यह बात करेंगे, जो आधुनिकीकरण का जो सिद्धांत है उसकी यहाँ पर बात करता है। इस सिद्धांत में विकास के निर्भरता सिद्धांत के समर्थन की आलोचना, यानी इस सिद्धांत में जो निर्भरता सिद्धांत है उन सिद्धांतकर्ताओं की यहाँ पर आलोचना की गई है जो इसके विचारक थे। विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों के शोषण और उसके अविकसित करने के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार हैं, यानी जैसे निर्भरता सिद्धांत बताता है कि जो विकसित देश हैं उन्होंने खुद को डेवलप कर लिया, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रियां थी खुद को डेवलप कर लिया और जो नॉन डेवलपिंग कंट्रियां हैं उसके लिए जो डेवलप कंट्रियां हैं उनको जिम्मेदार मानता है, उसको काफ़ी हद तक इन्होंने क्या माना है जिम्मेदार माना गया। अगला जैसे हम बात करेंगे निर्भरता सिद्धांत की ही बात करते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा सिद्धांत है निर्भरता डिपेंडेंसी थ्योरी, यह 1960 और 1970 के दशक में आंद्रे गुदर फ्रैंक द्वारा आधुनिकीकरण सिद्धांत को खारिज करके, यानी आधुनिकीकरण का जो सिद्धांत था उसके अपोजिट में लाया गया था निर्भरता सिद्धांत। उनके अनुसार विकसित देश जो थे आदिम
नहीं थे, लेकिन विकसित देशों ने उनका शोषण किया। यानी जो भैया आज जो विकसित देश हैं उन्होंने विकासशील देशों का उन्हें क्या शोषण किया और खुद को उन्होंने डेवलप कर लिया। विकसित देश आमतौर पर इन देशों में अप्रचलित प्रौद्योगिकी प्रदान करते हैं। यानी जो विकसित देश होते हैं जब उनके यहाँ पर कोई प्रौद्योगिकी कोई टेक्नोलॉजी काम नहीं करती है, पुरानी हो जाती है, तो क्या करते हैं वो दूसरे देशों को प्रौद्योगिकी प्रदान दे देते हैं। विकासशील देशों के लिए पुरानी तकनीकी से बचपना, यानी जो विकासशील देश हैं भैया वो पुरानी तकनीकी का यूज कर रहे हैं, जो डेवलपिंग कंट्रियाँ वो नई नई तकनीकों का यूज करती हैं। जब किसी डेवलपिंग कंट्री में कोई तकनीकी पुरानी हो जाती है तो वो नॉन डेवलपिंग कंट्रियों में आती है, विकासशील देशों में आती है। इससे क्या हो रहा है, बचपाना मुश्किल है। विकसित देश गरीब देशों की प्रौद्योगिकी और संसाधनों पर निर्भर करेंगे। यानी जो विकसित देश हैं वो क्या करें, जो गरीब देश हैं उनकी प्रौद्योगिकी और उनके संसाधन पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं, उनके संसाधनों का यूज करके उन्होंने क्या कर लिया, खुद को विकास कर लिया, डेवलप कर लिया। निर्भरता सिद्धांत दूसरे विश्व युद्ध के बाद विकास में पारंपरिक दृष्टिकोण के लिए मानता है। यानी निर्भरता सिद्धांत जो है वह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आया था, जिसमें विकास के पारंपरिक दृष्टिकोण के एक तीव्र प्रक्रिया के रूप में विकसित किया है। इस सिद्धांत के समर्थक अविकसितता को एक नहीं बल्कि विकास के लिए दुर्बलता की एक कड़ी मानते हैं। ये निर्भरता सिद्धांत वाले मानते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रियां हैं उन्होंने तो दूसरे देशों का शोषण करके, दूसरे देशों के संसाधन यूज करके, दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था या दूसरे देशों के लेबर को यूज करके उन्होंने खुद को क्या कर लिया भैया, विकसित कर लिया। विकसित देशों में प्राकृतिक संसाधन, सस्ते कामगार और अनुचित लाभ उठाना विकसित देशों में प्रचलित बाजार की स्थिति का लाभ उठाने की प्रवृत्ति है, जहां उनके लाभ के लिए किया जाता है। विकसित देशों की निर्भरता पैदा करता है, यानी इससे क्या होता है, जो विकसित देश हैं, यानी कह रहे हैं जो विकासशील देश हैं उनकी मदद से उन्होंने खुद को डेवलप कर लिया है, और जो विकासशील देश हैं उसमें विकास इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उनकी चीज़ों का यूज विकसित देशों ने कर लिया। यानी निर्भरता, यानी कह रहे हैं कि जो निर्भरता है भैया, जो विकासशील देश वो ज्यादातर विकसित देशों पर डिपेंडेंट हो गया है, इसलिए वहां पर विकास नहीं हो पा रहा। निर्भरता सिद्धांत इसी बात को कहता है, यानी डिपेंडेंसी थ्योरी। अगला जो हमारी रह गई विश्व प्रणाली सिद्धांत, क्या किसकी बात करता है, देखो अगला हमारा जो रहेगा विश्व प्रणाली सिद्धांत। देखिए यह सिद्धांत आधुनिकीकरण सिद्धांत की आलोचना करता है, यानी यह सिद्धांत क्या करता है, आधुनिकीकरण सिद्धांत की आलोचना करता है। इसने शोषण मुक्त विश्व पर जोर दिया है, यानी विश्व में किसी प्रकार का भैया शोषण ना हो इस पर जोर दिया है। यह आधुनिकीकरण और निर्भरता सिद्धांत के विपरीत अर्थशास्त्र, सांस्कृतिक इतिहास और समाजशास्त्र और राजनीति और विकास के अध्ययन के क्षेत्रों पर जोर देता है। यानी ये जो सिद्धांत है विश्व प्रणाली सिद्धांत है, यह निर्भरता सिद्धांत आधुनिकीकरण के सिद्धांत के विपरीत अर्थव्यवस्था पर भैया, संस्कृति पर, इतिहास पर, समाजशास्त्र पर, राजनीति पर, इन सारे क्षेत्रों पर अध्ययन पर इसने जोर दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार दुनिया में दो तरह की प्रणालियाँ, इस सिद्धांत के अनुसार भैया दुनिया में दो ही प्रणालियाँ हैं। एक है विश्व साम्राज्य जो ब्रिटिश साम्राज्य की तरह है, जो एक ही राजनीतिक केंद्र के साथ है, और एक है विश्व अर्थव्यवस्था जो नई केंद्रों के साथ, कई संस्कृतियों के साथ पूंजीवाद है। यानी ये पूंजीवाद और साम्राज्यवाद की बात करते हैं। यह सिद्धांत इमैनुअल द्वारा प्रस्तावित किया गया। उनके अनुसार संपूर्ण आर्थिक दुनिया कोर, यानी कोर और परिधि में, यानी पूरी दुनिया को क्या करते हैं कोर और परिधि के अनुसार उन्होंने बांटा है। कोर उत्पादन के माध्यम से परिधि के अर्ध परिधि क्षेत्रों को नियंत्रित करेगा, अर्थात श्रम, कच्चे माल, पूंजी निवेश, बुद्धिजीवियों का विदेश जाना इत्यादि। कह रहे हैं कि जो कोर देश हैं उन्होंने भैया डेवलप कर लिया है, जो परिधि वाले देश हैं उनका विकास नहीं हो पा रहा है। यानी केंद्र, यानी जो बड़े देश, उन्होंने खुद को डेवलप कर लिया है। जो डेवलपिंग कंट्रियाँ हैं वो उन्होंने इतना ज़्यादा विकास कर लिया है कि अन्य देशों का विकास करना थोड़ा मुश्किल है। यह विश्व प्रणाली सिद्धांत की इन्हीं की बात करता है। ठीक है, अगला जो हमारा रहेगा, ठीक है, बिल्कुल लास्ट वाला जो रहेगा, ठीक है, इसको देखिएगा, स्टैंड पॉइंट सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत के अनुसार इस दुनिया में हर एक दुनिया को देखने की एक स्थिति को लगेगा। यानी इसके अनुसार कहता है दुनिया को देखने में हर दुनिया को देखने में क्या एक स्थिति लेना होगा। एक समाज में प्रत्येक सामाजिक समूह की अवधारणा है, एक सामाजिक समूह की अवधारणा अन्य व्यक्तियों और समूहों से प्रभावित करती है। स्टैंड पॉइंट सिद्धांत के अनुसार समाज में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की स्थिति उसी में दूसरों के बारे में सीमित साझा प्रदान करती है। इसने आगे कहा कि शासक समूह अधीनस्थ समूह पर हावी होते हैं और अधीनस्थ समूह की राय शायद पर ही शासन पर असर डालती है, इसीलिए हाशिए के लोग विकास की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं हो पाते हैं।
ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि भैया जो जिन लोगों ने यहाँ पर देखो क्या करें कि जो शासक वर्ग है, ठीक है, जो शासक वर्ग है उसके पास क्या है, उसने विकास कर लिया है और शायद जो अधीनस्थ हैं जो उनके अंडर में काम करते हैं वो लोग क्या है वो विकास नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि हांसी के जो लोग हैं वो विकास की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं हो पा रहे हैं। भैया जो अमीर आदमी है वो क्या कर लिया, उसने खुद को डेवलप कर लिया, उसने खुद को विकसित कर लिया है, लेकिन जो गरीब आदमी है या जो हांसी पर लोग हैं उनको क्या वो विकास नहीं हो पा रहा है या उनको विकास की वो लोग विकास की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं। ठीक है, आगे अब तक हमें विकास के विभिन्न सिद्धांतों को देखा है, आइए हम विकास के विभिन्न तरीकों पर भी चर्चा करें, यानी विकास के क्या है अब तरीकों भी, विकास के अलग अलग भैया तरीके, उन तरीकों पर भी हम चर्चा करें, जैसे विकास के उपागम जो हैं इनको हम नेक्स्ट क्लास में जरूर चर्चा करेंगे, विकास के कौन कौन से उपागम हैं इन पर, जैसे विकास के उपागम में जैसे नव उदारवाद आपका रहेगा इम्पोर्टेंट, रचनावाद आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, विकास हस्तक्षेपवाद है आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, जन केंद्रित दृष्टिकोण है ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, सतत विकास जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मानव विकास दृष्टिकोण है, ये सारे क्या है बहुत ज़्यादा आपके लिए, शताब्दी विकास नहीं जो जो संकेतक हैं जैसे इसमें दिया गया है भूकंडा, इस प्रकार से सारी सतत विकास के जो लक्ष्य हैं जो 17 विकास के लक्ष्य हैं उनको भी, यानी ये विकास के क्या है सारे आयाम हैं डेवलपमेंट के। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे 5.6 रहेगा महिला और हाशिए विकास के घटकों के रूप में बताइए, ये जो रहेगा जितना भी बचा हुआ ना आपको मैं क्या करूँगा, आपको मैं सारी जो चीज़ें हैं इसमें आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, यानी विकास के जो उपागम है, विकास के उपागम और महिलाओं और हाशिए पर विकास के घटकों की जो चीज़ें हैं इनको हम क्या करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास को भी आप जरूर ज्वाइन कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और भी मैंने वीडियो बना दिया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी बना दिए हैं, आप उनको भी जा करके देख सकते हैं और इस क्लास का फायदा उठा सकते हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर क्लास को पूरा आप देख लें। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।